हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडेज टॉपिक इज मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। सो कम टू द मॉड्यूलेशन, दैट मींस व्हाट इज मॉड्यूलेशन। सो एनालॉग सिग्नल्स जनरेटेड बाय द मैसेज सोर्स और द डिजिटल सिग्नल्स जनरेटेड थ्रू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ बेस बैंड सिग्नल बिकॉज दे आर लो पास इन नेचर। सो मैसेज सोर्स से या आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन सोर्स से जो मैसेज जनरेट हो रहा है या फिर ट्रांसमीटर का जो एक सब सिस्टम है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यहाँ से अगर कोई सिग्नल जनरेट हो रहा है तो उनको हम लोग बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। सो यहाँ पे हमें जो सिग्नल मिलेगा दैट इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल MT, और यहाँ से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बाद जो हमें सिग्नल मिलेगा दैट इज़ डिजिटल सिग्नल। सो दीज आर दी बेस बैंड सिग्नल बिकॉज दीज आर लो पास इन नेचर। सो समटाइम्स बेस बैंड सिग्नल्स में बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर अ सुटेबल चैनल सच एज अ टेलीफोन और यू कैन से फैक्स। सो डिपेंडिंग ऑन द चैनल एंड द सिग्नल फ्रिक्वेंसी डोमेन कैरेक्टरिस्टिक बेस बैंड सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड by various information sources are not always suitable for direct transmission over a given channel. So this is your channel, this is your channel, so kuch transmission hamare paas aise hote hain communication system mein jahan pe hum log बेस बैंड सिग्नल को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर अ चैनल। सो दीज टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड बेस बैंड ट्रांसमिशन। ओके, बट समटाइम्स योर मैसेज सिग्नल डज नॉट always suitable for the direct transmission over a given channel. So when the signal and the channel frequency band do not match exactly, the signal cannot move over the channel. So it is necessary to match the bandwidth of the message signal which is generated from the information source or you can say analog to digital converter, the bandwidth of these baseband signal or these message signal should be matched with the channel bandwidth. Okay, so when this condition does not happen, so what to do? Messages must be moved to the right channel frequency bandwidth. Clear? So क्या करेंगे हम लोग कि जो भी हमारे मैसेज सिग्नल्स हैं उनके लिए हम एक राइट चैनल फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ है वो चूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो मैसेज सिग्नल मस्ट देयरफॉर बी फर्दर मॉडिफाइड टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन। सो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन। सो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस, in this conversion process which is known as the modulation, the baseband signal is used to modify some parameters of radio frequency that is the carrier signal. Clear? So this type of transmission is called carrier transmission. Carrier transmission mein kya hota hai, hum log baseband signals की जो बैंडविड्थ है उसको चैनल की बैंडविड्थ के साथ
मैच कराते हैं ताकि जो हमारा ट्रांसमिशन हो वो एफिशिएंट ट्रांसमिशन हो। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, सम मॉडिफिकेशंस कराने होते हैं, और ये मॉडिफिकेशन जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब ये मॉडिफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है, इस मॉडिफिकेशन प्रोसेस में जो कैरियर सिग्नल है इसके पैरामीटर्स मॉडिफाई होते हैं, लाइक व्हाट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। सो दीज पैरामीटर वेरीज अकॉर्डिंग टू दीज पैरामीटर वेरीज according to the baseband signals. So after modification, carrier signal is transmitted over the channel, carries the information about the baseband signals. Clear? And this process of modification is known as modulation. Okay? So, what is carrier? A carrier is a sinusoid of high frequency. A carrier is a sinusoid. This one is of high frequency. Clear? So through modulation, one of the carrier sinusoid parameter, this is amplitude, frequency and phase, vary according to the modulating signal, or you can say baseband signal. Hum log baseband signal ko modulating signal bhi bolte hain. Modulating सिग्नल्स भी बोलेंगे हम लोग इसको. ओके, सो व्हेन द एम्पलीट्यूड वेरीज, दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. जब हमारा फ्रिक्वेंसी वेरी करेगा कैरियर का अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल, तो उसे हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे. और जब हमारा फेज वेरी करेगा कैरियर सिग्नल का अकॉर्डिंग टू द बेस बैंड सिग्नल, तो हम उसे फेज मॉड्यूलेशन टर्म देते हैं हम लोग. Clear? So this is all about our modulation process. Okay, now come to the various type of modulations. So hum log yahan pe various type of modulation jo hain wo dekhenge, aur wo kaun kaun se modulation hain. These are the type of modulation. So first is continuous wave modulation. And the second category is pulse digital modulation. Further, continuous wave modulation have two category. First is amplitude modulation and second is angle modulation. This one is also angle modulation. Okay, pulse digital modulation ko hum log further two parts mein divide karenge. First is digital
मॉड्यूलेशन, एंड सेकेंड कैटेगरी इज एनालॉग मॉड्यूलेशन. फर्दर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम लोग ब्रेक करेंगे. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद कैरियर एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद सप्रेस्ड कैरियर. एंगल मॉड्यूलेशन को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड द अदर वन इज फेज मॉड्यूलेशन. ओके, डिजिटल मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में जो आएगा दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन. और इसमें भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं मॉड्यूलेशन की, जिन्हें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. एनालॉग मॉड्यूलेशन को हम लोग फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ दी पैम मीन्स यू कैन से पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. सेकेंड वन इज PPM, दैट इज पल्स पोजिशन मॉड्यूलेशन. एंड द थर्ड कैटेगरी फॉर एनालॉग मॉड्यूलेशन इज PTM और PDM, दैट इज पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन. सो वन बाय वन हम लोग इन मॉड्यूलेशन स्कीम को डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट जो कैटेगरी हम लोग मॉड्यूलेशन टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में जो डिस्कस करने जाएंगे वो होगा कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और देन एम्पलीट्यूड देन एंगल मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद कैरियर डिस्कस करेंगे एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद सप्रेस्ड कैरियर डिस्कस करेंगे. ओके, सो द पॉइंट इज दैट कि मॉड्यूलेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है. ये तो पता चल गया हम लोगों को कि मॉड्यूलेशन कराना है हमको ताकि जो इन्फॉर्मेशन सोर्स से जो मैसेज सिग्नल निकल रहा है वो और चैनल की जो बैंडविड्थ है फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है वो प्रॉपरली मैच करे ताकि हमारा एफिशिएंट ट्रांसमिशन हो सके. लेकिन मॉड्यूलेशन की नीड क्या है तो हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज नीड फॉर मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन की आखिरकार हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी. द फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीनास. सो क्या होगा कि जब भी हम लोग ट्रांसमिशन कराते हैं किसी भी सिग्नल का ट्रांसमीटर के थ्रू ओवर अ चैनल तो ट्रांसमीटर साइड में हमें एक एंटीना की ज़रूरत पड़ती है एंड रिसीवर साइड पे हम क्या करते हैं कि जो चैनल से सिग्नल को हम लोग रिसीव करते हैं वो भी हम लोग एंटीना के थ्रू करते हैं. ठीक, तो एंटीना की डिज़ाइनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास एंटीना साइज़ भी डिफरेंट होगा बिकॉज एवरी टाइम योर सिग्नल्स हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. सो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए हमारे पास एंटीना डिज़ाइनिंग भी डिफरेंट होगी. डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए हमारे पास एंटीना जो है वो डिफरेंट होंगे, उनकी डिज़ाइनिंग जो है वो डिफरेंट होगी. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटीना में दैट इज़ दी
हाइट ऑफ एंटीना, मीन्स प्रैक्टिकली क्या हम उस एंटीना को डिज़ाइन कर सकते हैं. सो दिस इज़ दी हाइट पॉइंट विल डिस्कस इन दिस टर्म, दैट इज हाइट ऑफ एंटीना एंड इट हैज़ अ रिलेशन विथ वेव लेंथ, दैट इज लैम्डा बाई 4. ओके, एंड लैम्डा हैज़ अ रिलेशनशिप विथ फ्रिक्वेंसी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई एफ. ओके, सो द फ्रिक्वेंसी हमारी जब लो होगी, तो अगर आप रिलेशन देख रहे हो तो यहाँ से आप देखोगे कि जो हाइट है उसका फ्रिक्वेंसी से जो रिलेशन मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सी अपॉन 4f. और यहाँ से अगर हम देखें तो जो रिलेशन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद एफ. ओके, सो जितनी लो फ्रिक्वेंसी अगर हमारे पास होगी तो हमें उतनी ही ज़्यादा हाइट का एंटीना डिज़ाइन करना होगा, और अगर हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो हमें उतनी ही कम हाइट का एंटीना जो है वो डिज़ाइन करना होगा. बट ये जो हाइट कम और ज़्यादा की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली डिज़ाइन करना पॉसिबल है? क्या उस रेंज में हमें हाइट मिल रही है? लेट्स सी. टुक एन एग्जांपल फॉर ऑडियो सिग्नल, दैट्स रेंज इज फ्रॉम 3 hertz टू सम 3300 hertz. क्लियर? सो जो हमारे ऑडियो सिग्नल जो है उसकी जो इंटेलिजेंसी है, जो उसकी क्वालिटी है, वो इस रेंज में मेंटेन रहती है. तो हम बोलेंगे कि इसके बीच में अगर हम कोई फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं तो आप देखोगे कि जो हाइट निकल के आएगी एंटीना की, दैट इज़ लेट दिस वन इज ओके, सो 3 hertz फ्रिक्वेंसी इज 3 hertz. ओके, सो नाउ कैलकुलेट द हाइट फॉर द एंटीना. That one is. Put the value of C, 3 into 10 to the power 8 upon 4, and F is 3 hertz. Okay, so when we solve it, this one is 1 by 4, 10 to the power 8. So from here we can see कि कितने ज़्यादा height के antenna की हमको ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो है तो. और एट द सेम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं. सो हाई फ्रिक्वेंसी अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसी जो है हमारी 1 megahertz अगर हम ले लें, 1 megahertz, सो क्या होगा, फाइंड आउट द हाइट ऑफ एंटीना. दिस वन इज 4 1 megahertz and this is 10 to the power 6. So this is 3 by 4, 10 to the power 2. This one is in meter and this is also in meter. So you can see here ki this is for the low frequency, this is for low frequency, and this one is for high frequency. तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं तो आप देखोगे कि जो एंटीना की हाइट है वो कम आ रही है, और अगर हम लो फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं तो बहुत ही हमें ज़्यादा हाइट का एंटीना डिज़ाइन करना होगा, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. सो फर्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, वो मॉड्यूलेशन की नीड कहाँ पड़ रही है, एंटीना हाइट की डिज़ाइनिंग. क्लियर? सो प्रैक्टिकली हम एंटीना डिज़ाइन कर पाए, हम उस फ्रिक्वेंसी रेंज में मूव करेंगे और उस फ्रिक्वेंसी रेंज को हम चैनल पे ट्रांसमिट करेंगे. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दैट इज द नैरो बैंडिंग. What is this narrow banding? So हम लोग क्या करते हैं कि let we have some range
of frequency, that is all of 3 hertz to some 3000 hertz. Okay, so when we calculate the ratio of high frequency or not high, that is ratio of upper frequency to lower frequency. This one is the ratio. So, lower frequency. So, आप देखोगे यहाँ पे जो ratio निकल के आ रहा है वो है हमारा 3000 hertz upon 3 hertz. Okay? So, the value is 1000. So, this ratio defines the aperture of the antenna. Means, if you design an antenna, so, आप देखोगे कि आपकी low frequency 3 hertz है और higher frequency 3000 hertz है. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप higher frequency के लिए antenna design करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा for lower frequency, that is 3 hertz. So, अगर आप antenna design कर रहे हो, तो aperture जो होगा, वो 1000 फ्रैक्शन का होगा. यानी कि अगर आप 3000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना डिज़ाइन कर रहे हो उसके ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए, सो दैट इज़ टू लार्ज फॉर द 3 हर्ट्ज. और अगर आप 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए एंटीना डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो 3000 हर्ट्ज के लिए बहुत ही छोटा होगा. सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी रेंज को हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसलेट कर देते हैं. तो आइए देखते हैं क्या होता है. सो हम लोग क्या करते हैं, हमने लिए हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द कैरियर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वन इज समथिंग 10 to the power 6 हर्ट्स, और यू कैन से 1 megahertz. ओके, सो व्हेन वी ट्रांसलेट लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी टू 1 megahertz, सो द अपर फ्रीक्वेंसी विल बिकम 1 megahertz प्लस 3000 हर्ट्स. सो दिस वन इज 10 to the power 6, दैट इज प्लस दिस वन इज हर्ट्स 3000 हर्ट्स. सो द वैल्यू इज 0003001. This one hertz, and the lower frequency will become 3 hertz. This one is also in hertz. So you can say upper frequency is FC plus FM, higher frequency. And the lower frequency after the translation to the carrier frequency, or you can say to the higher frequency, this one is FC plus FM lower frequency, means the message signal higher frequency and message signal lower frequency. Okay, so this is, so the value of lower frequency will become, okay, this one is hertz. So when we find out the ratio of higher frequency to the lower frequency after modulation, you can see upper frequency after modulation, or so leave it after modulation, and the lower frequency. So this one is 1003000, and this one is 1000003. So you can see this value will become approximately, मैं यहाँ calculate नहीं कर रही हूँ,
but this will become approximately some zero, one point some, zero point something. ओके सो आप देखोगे कि जो रेशियो हमने पहले निकाला था वो था 1000 और इस टाइम आप देख रहे हो कि रेशियो हमारा आ रहा है 1, यानी कि जो फ्रैक्शन है वो बहुत कम आ रहा है. इसका मतलब है कि आप हायर फ्रिक्वेंसी के लिए जो एंटीना डिज़ाइन करोगे वो लोअर फ्रिक्वेंसी के ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए भी क्या होगा, एफिशिएंट होगा. क्लियर. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो आपका ये वाइड बैंड था, अगर आपको ये फ्रैक्शन हाई मिल रहा है देन यू कैन से इट्स अ वाइड बैंड. ओके और जब ये रेशियो हमें लोअर मिल रहा है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं नैरो बैंड. तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टर्म देते हैं नैरो बैंडिंग, यानी कि सेकेंड जो पॉइंट है हमारा नीड फॉर मॉडुलेशन, हम लोग वाइड बैंड को, वाइड बैंड जो होगा मैसेज सिग्नल का, उसको हम लोग नैरो बैंड में कन्वर्ट कर देते हैं विद दी हेल्प ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी. क्लियर. नाउ सम अदर पॉइंट्स आर, दिस वन इज द ईज ऑफ ट्रांसमिशन in the form, you can say less interference. So let interference अगर आपको होगा तो यहाँ पे जो noise है वो भी less होगी, तो यहाँ से भी हमारा transmission जो है वो efficient होगा. जो next point है need for modulation के लिए, this is द पॉइंट इज मल्टीप्लेक्सिंग. मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स कि जब आप कई सारे सिग्नल्स को एक ही चैनल पे एक ही टाइम पे आप ट्रांसमिट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है. सो जब आपके पास कई सारे सिग्नल्स होंगे चैनल पे ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर साइड पे, तो अगर हम ले लेते हैं ऑडियो सिग्नल की अगर हम लोग बात करें, ऑडियो सिग्नल जो है अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज के, फॉर एग्जांपल ओमेगा M1, ओमेगा M2, ओमेगा M3, अगर हम ये सारे सिग्नल्स ट्रांसमीटर से एक साथ ट्रांसमिट करें या तो वायर पे, तो अगर हम वायर मीडियम के थ्रू अगर सेंड करेंगे तो हमें हर फ्रिक्वेंसी के लिए डिफरेंट वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी. और अगर हम लोग वायरलेस मीडियम में इन सिग्नल्स को अगर ट्रांसमिट करें एक साथ, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि इनके जो बेस बैंड्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. बेस बैंड जो होंगे वो कॉमन होते हैं, यानी कि आप देखोगे कि इस फ्रीक्वेंसी के लिए जो स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा, दिस वन इज लाइक ओमेगा M1, फॉर द अदर सिग्नल इज ओमेगा M2, एंड फॉर द थर्ड वन इज दिस वन इज ओमेगा M3. सो आप देख सकते हो, लेट अस अज्यूम द रिलेशन बिटवीन द ओमेगा M1, दिस इज दिस वन इज लेस वन ओमेगा M2. क्लियर. बट इनके बेस बैंड की जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो जीरो है. ठीक है ना. सो जब आप इनको एक साथ किसी चैनल पे ट्रांसमिट करोगे तो आप देखोगे कि जो इनके बेस बैंड हैं कॉमन होने की वजह से इंटरफेयर करेंगे आपस में. ओमेगा M2, ओमेगा M3. सो ये जो है ये तीन बैंड आपस में इंटरफेयर करेंगे अगर हम इन तीन अलग अलग फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, मींस बेस बैंड सिग्नल्स को एक साथ एक चैनल पे ट्रांसमिट कर देते हैं. सो आप देखोगे यहाँ पे इनके बेस बैंड जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देंगे और रिसीवर पे हम लोग
जो है सिग्नल, एक तो ओरिजिनल सिग्नल हम लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये मैसेज सिग्नल ओमेगा M1 फ्रिक्वेंसी का है या ओमेगा M2 फ्रिक्वेंसी का है या ओमेगा M3 फ्रिक्वेंसी का है, ठीक है, बिकॉज देयर सेंटर फ्रिक्वेंसी इज कॉमन, दैट इज ज़ीरो। ये हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं स्पेक्ट्रम का। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आपका बेसमेंट सिग्नल जो सेंटर फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो पे ही हो, बट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सेंटर फ्रिक्वेंसी आपके बेसमेंट सिग्नल, अगर जो तीन अलग अलग सिग्नल्स हैं वो ज़ीरो पे हैं, तो यहाँ पे इनके बेसमेंट क्योंकि कॉमन है, सेंटर फ्रिक्वेंसी कॉमन है, तो जब हम एक साथ इन्हें ट्रांसमिट करेंगे चैनल पे तो ये इंटरफेयर करेंगे आपस में। सो ये डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए और सिग्नल को अलग अलग ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सिग्नल्स को हायर फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लेट ओमेगा M1 को हम लोग ओमेगा C1 पे ट्रांसलेट कर देते हैं, ओमेगा C1। सो दिस इज इसी सेम चैनल पे ओमेगा C2 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये जो आपका जो दूसरा सिग्नल है वो यहाँ पे सिचुएट हो गया, यहाँ ट्रांसलेट हो गया, और लेट योर फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी ओमेगा C3, आप इसको फ्रिक्वेंसी की बात करें आप FC2 भी लिख सकते हो, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड दिस इज योर फ्रिक्वेंसी, सो आप इसको FC, दिस वन इज 3, FC2 एंड FC1, ओके। सो जो थर्ड बैंड है वो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा, ओके। सो अब आप कह सकते हो कि अगर हम इन तीनों सिग्नल्स को एक साथ एक चैनल पे ट्रांसमिट कर दें तो आप देखोगे कि इनका इंटरफेरेंस नहीं होगा बिकॉज देयर सेंटर फ्रिक्वेंसीज आर डिफरेंट एंड फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये गार्ड बैंड की तरह भी वर्क करेगा। गार्ड बैंड वो बैंड्स होते हैं जो एक स्पेक्ट्रम को दूसरे स्पेक्ट्रम के साथ इंटरफेयर होने से बचाते हैं। सो ये इस तरीके से अगर हम इन बेसबैंड सिग्नल को, ये जो बेसबैंड सिग्नल्स हैं हमारे, इनको अगर हम लोग हायर फ्रिक्वेंसीज पे ट्रांसलेट कर देंगे तो आप देखोगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंसेज है स्पेक्ट्रम के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ये डिस्टेंस हमारे लिए गार्ड बैंड की तरह यूज़ होंगे। गार्ड कार्ड का काम क्या होता है कि सेफ करना, ठीक है, जो भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे सेव करना। तो यहाँ पे जो इनको हम लोग नाम दे रहे हैं गार्ड बैंड, गार्ड बैंड मीन्स कि ये जो बैंड्स हैं इनको आपस में इंटरफेयर होने से ये रोकते हैं, ये सेव करते हैं। सो यहाँ से क्या होगा कि आप ट्रांसमीटर से चैनल पे एक साथ इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हो, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है हम लोग करा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग का ये वीडियो है, ये टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डीमॉडुलेशन इन वेरियस टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, मीन्स एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन विथ कैरियर और एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन विथ सप्रेस्ड कैरियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।